मेरा एक कल बोलना। दुर्घटना ऐसी हुई है सर, यहाँ पर बोलना बहुत जरूरी है। वर्धा में, वर्धा डिस्ट्रिक्ट में हिंगनघाट गांव में एक युवती के साथ में कल सड़क पर उसको अक्षरशः एक लड़के ने, युवक ने आकर पेट्रोल कहीं से पेट्रोल पंप से खरीद कर उसे रोड पर पेट्रोल से पूरी बुरी तरह बुरी तरीके से जला दिया। वो मध्यम वर्ग से, वो महिला, वो लड़की बिलोंग करती थी। मुझे बताइए, अगर हम बोलते हैं, हमारा नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गर्भ में तो मैं बेटी बच रही है, पर जीवन आने के बाद, जन्म लेने के बाद बेटियों को बचाने के लिए जो आज कार्रवाई करनी चाहिए, जो कड़क शासन और लॉ आना चाहिए, उसके लिए काम करना बहुत जरूरी है। वर्धा एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहां पर महात्मा गांधी जी का शांति का संदेश दिया गया है, और उस डिस्ट्रिक्ट में अगर ऐसा महिलाओं के साथ में होता है, और कहीं पर भी होता है लड़कियों के साथ, तो लड़कियां ना काम पे जा पाएंगी, ना अपनी पढ़ाई कर पाएंगी, ना खुले से बाहर घूम पाएंगी। अगर इस सब चीजों को कंट्रोल में करना है तो हमें कड़क कार्रवाई और कड़क कानून इस पे लाना पड़ेगा। अदरवाइज हम जैसी महिलाएं भी सेफ नहीं हो पाएंगी। हम सिर्फ नाम के लिए सेफ है कि हम खासदार है, एमपी है करके हम बैठे, अदरवाइज लड़कियों को सेफ करना है तो उसके लिए कड़क कानून लाना ही पड़ेगा। नहीं तो दिल्ली में जो निर्भया केस हुआ है उस पे तारीख ही चलनी है, फांसी आने के बाद भी उन्हें फांसी नहीं मिलना, और ऐसे ही चलते रहना।